नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने करनाल में वाल्मीकि बस्ती के प्लाटों के भूमि पूजन कार्यक्रम में लिया भाग। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने सेक्टर 16 में वाल्मीकि बस्ती को अलॉट किए जाने वाले प्लाटों की भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। हरियाणा सरकार द्वारा वाल्मीकि बस्ती के लिए 237 प्लाट अलॉट किए गए हैं। एक प्लाट 50 वर्ग गज का होगा और ये बस्ती 3 एकड़ में बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस बस्ती में सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समाज अपने मकान बनाने में कठिनाई महसूस करता है, उनके लिए हमारी सरकार विशेष योजना बना रही है, जिसका लाभ हमेशा उनको दिया जाएगा और हर संभव हर वर्ग को सहायता दी जाती है। अब देख रहे हैं करनाल से पल पल की एक खास रिपोर्ट। आज का ये अवसर आप सब लोगों के लिए बहुत ही एक सुअवसर है। एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है। एक निर्णय, कोर्ट के निर्णय के द्वारा हम जो जिस जगह पर बैठे थे, उस जगह को खाली करने का आदेश दिया गया। लगभग 300 परिवार ऐसे हैं जिनको उस जगह को खाली करना था, और ये निर्णय आज का नहीं है, कई वर्ष पुराना है। पिछली सरकारों ने इसमें कोई काम नहीं किया, लेकिन जब हमको पता लगा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सबको आवास मिलना चाहिए, 2022 तक कोई व्यक्ति कोई परिवार बेघर बिना आवास के नहीं रहना चाहिए, और दूसरी तरफ कोर्ट के निर्णय के द्वारा ये लगभग 300 परिवारों के इनके जो आवास हैं, जो आशियाना हैं, जो किसी भी प्रकार से इन्होंने मेहनत करके बनाया होगा, इनका घर खाली करा करके इनको सड़कों पर लाया जा रहा है। ये बहुत ही विरोधाभास की बात है। इसमें से हल क्या निकाला जाए? तब हमने अपना जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का डिपार्टमेंट है, उनको कहा कि भाई कोई रास्ता निकालिए। उन्होंने कहा हमारे पास एक जमीन है सेक्टर 16 में जो इनको दे सकते हैं, लेकिन पैसे लगेंगे। हमने कहा देखो, पूरा पैसा तो दे नहीं सकते, जितना पैसा उनका खर्च आएगा वो नहीं दे सकते। तो उसमें से योजना बनी कि कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लाभ है वो उनको दिए जाए, कुछ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिसको हुड्डा कहते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला हुड्डा, इनको हमने जिसका नाम बदल करके अब HSVP कर दिया हमने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अंग्रेजी की हिंदी कर दी है। तो HSVP का डिपार्टमेंट ने कहा, उनको कहा भी थोड़ा आप भी कुछ आपके पास फंड हो तो उसमें से रियायत कर दो, थोड़ी रियायत उन्होंने की। फिर कहा कि ये सारा पैसा इकट्ठा नहीं दे पाएंगे, तो शायद उन्होंने किस्तें भी बना दी। तो कुल मिलाकर के हमको एक मकान रहने के लिए थोड़ा पैसा हर महीने देते रहेंगे, जितना किराया मकान का होता उतना ही किस्त जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, तो हम अपने मकान के मालिक हो गए। तो ये विशेष योजना बनाई गई है। जैसा आजाद जी ने बताया कि एक प्लॉट की यहां की कीमत अगर देखी जाए तो 25 लाख रुपए से कम नहीं है, लेकिन 25 लाख रुपए जिसको ये दे सकता वो तो शायद ले जाता, लेकिन जो नहीं दे सकता उनको हमने देना है। तो ये विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, सबके लिए योजनाएं नहीं बनेंगी, ये इस गरीब समाज के लिए बनेंगी, जो समाज अपने मकान को बनाने में कठिनाई महसूस करता है। और केवल यहां योजनाएं बन रही, ऐसा नहीं है,
प्रदेश में अन्य जगह पर भी पूरे देश भर में बन रही है। हमने सुना होगा इस प्रदेश में कांग्रेस के टाइम के समय पर एक मिर्चपुर कांड हुआ, उस मिर्चपुर कांड में संयोग से वो भी वाल्मीकि समाज के लोग थे और उनको बेघर करके और कहीं से इन टेंटों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। दसियों साल से टेंटों में बैठे थे। हमने उनको बुलाया कि झगड़े को खत्म करो, आपस में गांव में विवाद है तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, उनका हम गांव में नहीं रहना चाहते, हमको बाहर कहीं जगह दे दी जाए। हमने दूसरे गांव में वहां को जमीन थी, वहां पर सरकारी पंचायत की एक विभाग की जमीन थी, उनको कहा कि आप यहां आवासीय कॉलोनी एक अलग बना लो। उनको ही मंजूर था, हमको ही मंजूर था, तो हमने एक नई कॉलोनी उन लोगों के लिए बना के दी। और ये भी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से उसको पेंडिंग पड़ा था। हमने कहा कि नहीं, ये समाज इसको एक अलग से आवासीय कॉलोनी देनी चाहिए। हिसार में मिर्चपुर कांड, तो हम जो काम ऐसे करते हैं जो लोगों की तकलीफें हैं उनके तकलीफों को कैसे दूर किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने देखा कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शायद अपना मकान बनाना उनके लिए कठिन है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बनी सबके लिए आवास। 2022 तक उन करोड़ों परिवारों को आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। सबको कुछ ना कुछ जिनके पास अपना प्लॉट है उनको सस्ते कीमत सस्ते ब्याज के ऊपर ऋण दिलाया जा रहा है, कुछ उसमें सब्सिडी दी जा रही है। जिनके पास प्लॉट नहीं है उनकी भी अलग व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को मल्टी स्टोरी, किसी को प्लॉट, किसी को कैसे किसी को कैसे। 2022 तक इस देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसका अपना घर नहीं होगा, जिसके सर पर छत नहीं होगी। तो योजनाएं बन रही है और केवल एक योजना ये नहीं है, बल्कि सरकार तो अंतिम व्यक्ति के लिए जो उसकी कमी उसको पूरा करने के लिए तैयार है। अंत्योदय योजना, अंत्योदय माने अंतिम का उदय, अंतिम का उदय, आखिर में जो है गरीब है, जो बेसहारा है, जो इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में पैरों पर खड़े होने में कठिनाई आएगी, फिर उसकी चाहे रहने की आवास की कमी हो, उसका रोजगार की कमी हो, उसके पास दो समय का भोजन इसकी कमी है, उसके पास पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 8,000 रुपए से लेकर के और 15,000 रुपए तक सालाना छात्रवृत्ति दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी एक योजना चलाने जा रहे हैं और आज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है आयुष्मान भारत। और आयुष्मान भारत में ये जो हम बीमार पड़ जाते हैं घर में, हमारे इलाज में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है नामुरीद बीमारी, ये घरों के अंदर पैसा नहीं होता, खर्च करना है, प्राइवेट अस्पताल वाले अच्छी तरह सुनते नहीं है, सरकारी अस्पताल में शायद उस प्रकार की सुविधा होती नहीं है, कई बार सरकारी अस्पताल में भी होती है वो भी हमें कहते हैं दवाइयां बाहर से लाओ, ये करो वो करो। तो आज से गरीब परिवारों के लिए, हरियाणा के 15.5 लाख परिवारों के लिए एक योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, हम यहाँ करनाल से करेंगे कि उनके परिवार को 5 लाख रुपए का इलाज ये सरकार कराएगी मुफ्त में।